तृणमूल कांग्रेस के लीडर मरहूम मजहर रब्बानी बेग की याद में पिछली रात कोलकाता के डमजन लैन इलाके में चौथा डीपीएल प्रीमियर लीग का रंगारंग आगाज हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जोड़ा सांको क्षेत्र की विधायिका स्मिता बख्शी, वार्ड नंबर 43 की कोऑर्डिनेटर शगुफ्ता खातून, वार्ड नंबर 43 टीएमसी प्रेसिडेंट परवेज इकबाल, एसए फैसल, तनवीर बेग, मोना कुरैशी और मोहम्मद मंसूर वगैरह उपस्थित हुए। प्रीमियर लीग फोर्थ ईयर है, मैं तो फोर्थ ईयर ही यहाँ पर पहुंचे है। मैं चाहती हूँ इसी तरह से ये लोग मोहल्ला का सब कोई इकट्ठा करके ऐसे ही खेल कूद का आयोजन करे। मेरा संग सहगुप्ता मतनमा सहगुप्ता परवीन भी है, जनाब परवेज इकबाल भाई भी है और भी सब इस इलाका का सब कोई एक संघ है। मैं चाहती हूँ जिसका नाम से ये खेला आज हो रहा है लेट मजार रब्बानी बेग, उनका यादगार में ये तो बहुत अच्छा है जो सब कोई इकट्ठा होकर ये खेल कूद का काम कर रहे क्रिकेट टूर्नामेंट, और इसी तरह से किसी का नाम को अमर रहने के लिए ऐसे ही मोहल्ला मोहल्ला में करे तो बहुत अच्छा होता है। मसवाड़ा एक ही जगह जो इकट्ठा होकर ऐक्यबद्ध होकर ये जो राजनीति बंगाल में अभी चल रहा है जो हिंदू मुस्लिम को अलग करने का, इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दे दे आगे इलेक्शन में। जिसका जिसका डर होता है ना वही पार्टी का विरोध में बोल रहे, तो पार्टी डिसीजन ले रहे जो ठीक ही कर रहे। अरे ईडी का डर जिसका है वही भाग रहे, तो भागने दीजिए ना, क्या है तो अच्छा ही होगा। बंगाल में ममता बनर्जी छोड़कर कोई है ही नहीं। ममता बनर्जी जिस तरह से 2011 परिवर्तन का बाद से आम जनता का संग रहकर बंगाल का उन्नयन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे, बंगाल का जनता भी जानते हैं कि इसका संग रहने से ही अपना सुविधा मिलेगा। हैदराबाद में ही रहेगा, पश्चिम बंगाल में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं जो इसकी रूह रवा है जफर इकबाल बबलू भाई और इनके तमाम छोटे भाई जैसे रबानी बेग के नाम पे अल्लाह पाक को मगफरत करे, अल्लाह पाक हर करबर जन्नत फिरदौस का महिमा बनाए। आज उनके नाम पर उनका याद ताज़ा हो गया, उनके नाम पर ये डीपीएल प्रीमियर लीग को एडिशन किया जा रहा है। ये कमी हम लोग हो सकता है कि जब तक हम लोग मजहर रब्बानी बेग सब पर कमी हम लोग कभी पूरा नहीं कर सके। आज हर कदम पे हम लोग को उनका याद आता है। आज हम लोग वार्ड में जितना प्रोग्राम करते हैं, जितना यानी कि आज हम लोग जो संचालक मजहर वैसी मेरे वार्ड तक महदूद नहीं थे, वो पश्चिम बंगला के एक बहुत बड़े संचालक थे और खुद दीदी उनको कई प्रोग्राम में बुलाती थी। बेग आज के तुम्हार के मुर्शिदाबाद जीते हुए, आज के तुम्हार के पूर्णिया जीते हुए, वो हमारे समझ लीजिए बंगाल के स्टेट लेवल के नेता थे मजहर रब्बानी बेग साहब। मैं अपने तमाम छोटे भाई को ये मैसेज दूंगा कि वो लोग जिस तरह खेल के मैदान में अगर जितना आगे बढ़ के लोग खेल रहे हैं, उसी तरह उनके घर के जो बच्चे हैं पढ़ाई के मैदान में भी अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई को, अपनी बहन को उतना ही आगे लेके जाए जिस तरह वो खेल के मैदान में अपने आगे लेके चले। अपने आप नहीं होगा, कोई टफ नहीं होगा। दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेंगी, कोई टफ नहीं है। बीजेपी 294 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में उसके पास उम्मीदवार नहीं है। आप देखिएगा जिस समय जब इलेक्शन क्लियर होगा उसको उम्मीदवार नहीं मिलेगा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को। फिर भी तो आपकी पार्टी से लोग जा रहे हैं वहाँ पर, जो लोग गलत है वो लोग जा रहे हैं, जो लोग गलत है वो लोग जा रहे हैं। उनको उम्मीद है कि हमको आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम आज आगे चल के जो गुनाह किए हैं वो भाग रहे हैं। जिनको कल यही बीजेपी बोलती थी ये लोग नर्मदा में है, शारदा में है, फला केस में मुलविस है, आज उनको वही पार्टी ले रही है। ममता बनर्जी से इस पर किसी पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेंगे, 100 मरतबा हम लोग यही बात बोलेंगे। और दीदी को हर कम्युनिटी का सपोर्ट है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, गुजराती भाई हो, मलवाड़ी भाई हो, पंजाबी भाई हो, सबका सपोर्ट दीदी के साथ है। बहुत खुशी के बात है, बहुत हिम्मत से लेते हो
और भी जो ऐसे प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, अपने यहाँ ले कोई मत लो कि मैं हार गया मैं जीत गया, नहीं जो हिस्सा लेते हैं वो बहुत नसीब लेते हैं, बहुत हिम्मत से लेते हैं हिस्सा। नहीं मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं होस्ट हूँ भाई, मैं यहीं का हूँ और ये हमारा परिवार है जिसको हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा सबका, जो जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और जितने खिलवाड़ हैं, मैं सबके लिए दुआ करूंगा कि सब बहुत उम्दा खेलें और ये DPL जो है स्टेट लेवल तक पहुँचे, मैं इसके लिए दुआ करूंगा। DPL 4 एडिशन तो ये हम लोग के बीच में हर साल जनाब मजर रब्बानी बैग मौजूद रहते थे, उन्हीं की याद में हम लोग ये सब कराए जी। उनकी कमी महसूस हो रही है हम लोगों को, बस आगे हम लोग यही दुआ करते कि DPL सक्सेसफुल रहे और शांति से सब होते रहे, चलता रहे। आप समझ सकते हैं कि हार्ट टचिंग मोमेंट है और बहुत मेरे लिए बहुत टची आज इतना ऐसा प्रोग्राम हुआ है। हमेशा भाई मरहूम मज़हर रब्बानी बेग साहब हमेशा शिरकत करते थे, हमको याद है आज भी घर आए और बहुत खुश थे क्योंकि वो कैंडल लाइट वाला प्रोग्राम बबलू वगैरह किया था, तो बोल रहे थे सबको कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक नया टीम बबलू एंड जितने अदर्स लोग हैं, जितने भी लोग हैं, 4-5-8 नाम हैं कि आज एक नया यूथ लोग भी हमको मिला है, जुटा है और उनके साथ जुट करके काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो बहुत मेरे लिए टची मोमेंट है हम लोग सारे फैमिली के लिए, बेग फैमिली के लिए, और आज के दिन में कौन कहाँ कोई करता है और इन लोगों ने भाई मरहूम को, क्योंकि हमेशा शाना बशाना हमेशा इन लोग के साथ रात दिन सुबह शाम ये मैच चलता था, रहते थे परवेज़ भाई भी रहते थे, शगुप्ता भाभी भी रहती थी, स्मिता बोधी भी, फैसल भाई, पूरा तमाम जो टीम देख रहे हैं वो लोग हमेशा साथ में रहते थे, तो आज उनकी कमी बहुत दिल से शिद्दत से मुझे बहुत महसूस हो रही है और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मेरे लिए वेरी हार्ट टचिंग मोमेंट है, तो इमोशनली आई एम वेरी मच, मैं कुछ आगे बोल नहीं पा रहा हूँ।